श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सबका हाथ उठा के बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्री सभापति महोदय समस्त त्रिदंडपाद गण समस्त वैष्णव वैष्णवियों को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। इसी महीना में ही इन्होंने श्री आनंद धाम राधा श्याम लोग देखना जितने भी बार पैसा कमाते क्यों पैसा कमाते अपना सुख है के अपना परिवार के सुख के लिए, लेकिन ये ऐसे एक महापुरुष हुए हैं श्री वृंदावन धाम में। अभी सुन रहे ना कि वृंदावन धाम क्या है, कहते किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ केशव के केली कुंज कोटी कोटी काशी है, भले गोपिनी की द्वार कहे बसत है हरिद्वार बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, स्वर्ग अपवर्ग हम ले करे करेंगे किया जानते नहीं किया हम श्री वृंदावन वासी है। इसलिए वृंदावन धाम में और उन्होंने ये आनंद धाम को स्थापन करते हुए राधा श्याम सुंदर को उन्होंने जो स्थापन किया है ये कोई साधारण बात नहीं। जिंदगी सारे जो पैसा उन्होंने कमाए उन्होंने सबके सब उन्होंने भगवत सेवा के लिए लगा, ये साधारण बात नहीं। इसलिए कृष्ण स्वयं उद्धव जी को ये बात कहते हैं, बोले उद्धव जी अगर कहीं मेरी मंदिर बनना है मंदिर बनने के लिए अगर एक ईंट अगर कोई मेरी मंदिर के लिए दे दे उसके लिए मैं गोलोक वृंदावन में राज महल में बना देता हूँ। लेकिन श्री आनंद स्वरूप केला जी ने देखो कितने सुंदर उन्होंने ठाकुर जी के कैसे मंदिर उन्होंने बनाए, इसलिए उनके लिए जोरदार ताली बजा रहे हैं। इसलिए केवल ठाकुर जी के मंदिर बनाया सो बात नहीं, ठाकुर जी की तो मंदिर ही बनवाया है, लेकिन आप लोग अभी अभी श्रवण कर रहे थे इन्होंने जो हमारी वैदिक संस्कृति है जो संस्कृति धीरे 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 लुप्त होते जा रहा है हमारे वैदिक संस्कृति है, लेकिन ये वैदिक संस्कृति के लिए उन्होंने जो अथाह परिश्रम किया है इनके लिए भी ये बड़े आशीर्वाद की पात्र है। आप लोग श्रवण कर रहे थे ना, इसलिए उन्होंने ये गौशाला को उन्होंने स्थापन किया है और धीरे 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 जो गो माता है अभी सुन रहे थे नमः ब्रह्मण देवाय गुरु ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसलिए कृष्ण को क्या बताए कृष्ण कौन है, बोले गो और ब्राह्मण को हित करने वाले श्री कृष्ण चंद्र, इसलिए उनका नाम ही गोपाल है। गोपाल का मतलब क्या है, गो मतलब होता है गैया, गो मतलब होता है बैल, गो मतलब होता है गोप गोपी, सबको जो पालन करने वाले वो कौन है, वो गोपाल है। इसलिए कृष्ण भी बचपन में आप भागवत सुने होंगे कृष्ण स्वयं जब थोड़ी से बड़े हुए ना वो अपना मैया को पास में मचल गए, बोले मैया और पिताजी को पास में मचल गए हम दोनों भैया भी बड़े हो गए हैं अभी हम गैया चलाना चाहते हैं, हम अभी गैया चलाना चाहते हैं। इतने में नंद बाबा बोले हमारे घर में बहुत दास दासी तुम्हें गैया चराने की जरूरत नहीं, लेकिन कृष्ण कहते नहीं हम गोपाल है गैया हमारी इष्ट है। इतने में मैया जसोदा बाई लाला कह रही है हम दो जूती एक छतरी बना देते हैं, लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं मैया हमारी गैया हमारी इष्ट है, जो इष्ट है उनके लिए कोई जूती नहीं छतरी नहीं, हम सेवक होकर कैसे ये छतरी और जूती को कैसे धारण करेंगे। अगर हमारे लिए जुती बनाना चाहते तो जितनी गैया है सभी के लिए जुती और सभी के लिए छतरी बना दो फिर हम स्वयं इसको धारण करेंगे। इसलिए कृष्ण स्वयं का नाम ही गोपाल रख दिया गया जो गैया को जगत में पालन करने वाले ये कृष्ण है,
इसलिए उन्होंने ये गौशाला के लिए भी व्यवस्था की है। आप लोग श्रवण कर रहे थे पृथ्वी का, अभी जो करुणा आया था ना, करुणा जो व्यक्ति गोमूत्र पान कर रहे थे करुणा, उसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं किया, कोई अफेक्ट नहीं किया। इसलिए उन्होंने जो गौशाला उन्होंने बना करके गैया सेवा के लिए उन्होंने जो व्यवस्था किया, इनके लिए भी ये बहुत बड़े धन्यवाद की पात्र, इनके लिए भी ताली बजाता। इन्होंने खैर क्या किया, खैर हमारे वैदिक संस्कृति रखा हो इसके लिए उन्होंने खैर क्या किया, उन्होंने बच्चों को भी, महाराज जी बता रहे थे संस्कृत को भी डेड लैंग्वेज रूप में घोषणा कर रहे हैं, क्यों संस्कृत तो कोई पढ़ते नहीं, अगर जो संस्कृति अगर कोई नहीं पढ़ेगा ना फिर क्या होगा, धीरे 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 हमारे वेद भी खत्म हो जाएगी, पुराण गीता भागवत भी समाप्त हो जाएगी। अगर ये सारे ग्रंथ अगर समाप्त हो जाएगा क्या होगा, घोर कलयुग आएगा जगत में, मुसलमान का राज्य तो हो जाएगी जगत में, धीरे 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 सबके साथ नास्तिक बन जाएगी जगत में, नास्तिक बन जाएगी, फिर क्या होगा, फिर दुनिया में धर्म कर्म सब खत्म हो जाएगा। इसलिए इन्होंने बिना पैसा में बच्चों को रखा करके फिर अपना हाथों से सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था, इतना नहीं सबके लिए फ्री में प्रसाद की व्यवस्था, बच्चों को फ्री में पढ़ाने के लिए उन्होंने व्यवस्था की, संस्कृति जगत में रखा हो जगत में संस्कृति, और धीरे धीरे हमारे वैदिक संस्कृति आगे बढ़े, इसलिए इन्हीं के लिए भी इन्होंने बड़े धन्यवाद का पात्र, इसलिए जिंदा ताली बजाओ, क्योंकि हमारी संस्कृति की उन्होंने रक्षा करने के लिए उन्होंने अथाह प्रयास किया है। फिर रोज यहाँ यज्ञ होता है, ये भी हमारी वैदिक संस्कृति है, जिसको द्वारा देवता पर नाम पर यज्ञ होने पर देवता लोग भी प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और इन्होंने फिर उन्होंने हॉस्पिटल भी खोले, और कुछ दिन पहले बोल रहे थे हम चाहते हैं यहाँ पर विद्यालय भी खोले, बच्चों को हमारी जो संस्कृति है जो संस्कृति, क्या संस्कृति है, जो हमारे जो बच्चे लोग बचपन में जैसे कृष्ण बलराम भगवान राम ही गए, कहाँ पर गए, शांति बनी आश्रम में उन्होंने गए वेद अध्ययन करने के लिए, इनके भी बहुत बड़ी इच्छा है। तो कहते हैं हमारे पास में थोड़ी बहुत और जो प्रॉपर्टी है, ये सारे प्रॉपर्टी को हम बेच करके यहाँ पर हम क्या खोलेंगे, बच्चों को जो पढ़ाते हैं स्कूल में, अरे नहीं गुरुकुल खोलेंगे, ये गुरुकुल के लिए भी उनकी बहुत प्रयास है, वो बोल रहे थे उसी तरह में हम बहुत बड़े सोच रहे हैं वहाँ पर स्कूल खोले, और यहाँ पर गुरुकुल का सिस्टम रखा जाए जिसमें पढ़ाई को साथ साथ में भी बच्चों को हमारी वैदिक संस्कृति जैसे गीता भागवत रामायण उनको बचपन में पढ़ाया जाए, क्योंकि बचपन में जिनको पर में जो प्रभाव पड़ता है, जो संस्कार पड़ता है, जो संस्कार जिंदगी भर के लिए वो संस्कार रहेगा। इसलिए उन्होंने जिंदगी भर जितने उन्होंने प्रयास करके पैसा कमाया, उन्होंने अभी वो कोशिश कर रहे हर चीज को, जैसे हम हमारे भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए और हमारी संस्कृति के लिए जैसे सारे पैसा लगे, इसके लिए उनकी बहुत बड़े धन्यवाद की पात्र, इसलिए ताली हो जाए जोर से। अगर हमारे भारत में अगर ऐसे कुछ अगर लोग हो जाए ना, ऐसे भक्त हो जाए, समझो हमारा संपूर्ण भारत संपूर्ण कृष्णमय हो जाएगा, और संपूर्ण वृंदावन हमारे जो धाम है, हमारे जो भारत संपूर्ण रूप में, इसका देश का नाम ही भारत है। भारत मतलब क्या, भा मतलब होता है प्रकाश, और रत मतलब होता है कि हर समय जो प्रकाश में जो रत रहते हैं वो भारत, सचमुच से हमारे भारत संपूर्ण भारत ही हो जाएगा। अगर ऐसे अगर कुछ भक्त लोग अगर हमारे भारत में जन्म हो जाए, इसलिए ये भी हर चीज के लिए ये प्रशंसनीय और ये धन्यवाद का पात्र है। इसलिए इन्होंने विशेष करके इन्होंने अभी महाराज हमारे नासिनी महाराज बोल रहे थे ना, अरे इतने मठ मंदिर बनाने का क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, देखो प्रभुपाद कहते हैं इसने प्रभुपाद इतना प्रभुपाद जी हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं हर शहर शहर में एक गौरी मठ, हर शहर शहर में एक गौरी मठ बननी चाहिए। लेकिन देखो प्रभुपाद कितने बड़ी बात कहते हैं, बोले शहर शहर नहीं मैं चाहता हूँ हर गांव गांव में गौरी मठ हो जाए। प्रभुपाद कहते हैं हर गांव गांव में नहीं, हम कहते हैं हर घर घर गौरी मठ हो जाए। प्रभुपाद कहते हैं हर घर घर गौरी मठ नहीं, प्रभुपाद कहते हैं एक इंसान को, एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति ये गौरी मठ, हर व्यक्ति गौरी मठ बन जाए।
और ये प्रभुपाद की ये स्वप्न है प्रभुपाद की। इसलिए महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, पृथ्वी ते आछजत नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार देवे पर नाम सुखी हया लोग मर गाय के कीर्ति, ये महाप्रभु का भविष्यवाणी थी। एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण पृथ्वी में गली गलियों में शहर शहर में गांव गांव में और घर घर में भगवान का नाम गूंज उठेगा और सबके सब जीव प्रसन्न होकर के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये महाप्रभु का ही भविष्यवाणी है। मानो ये भविष्यवाणी को सार्थकता करने के लिए हमारे आनंद स्वरूप केला ने ये गौड़ीय मठ को उन्होंने स्थापन किया। इन्होंने अभी प्रश्न होता है ये ठाकुर जी को स्थापन करने का जरूरत क्या, ठाकुर क्यों आए? इसलिए पुराण में कथा आती है, बल एक समय नारद जी ये मध्य जगत में आए और हर घर घर में गए, सबसे पूछा सब ठीक ठाक हो, सबके सब दस्तार हिलाए ठीक ठाक है, लेकिन जब अंदर की बात पूछा ना, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास। उन्होंने देखा जगत में कोई वास्तव रूप में सुखी नहीं, इसलिए इतने में नारद जी वैकुंठ में गए, बोले ठाकुर जी ये दुनिया को आपने सृष्टि की और ये दुनिया में हम घर घर में जा जा करके देखा, कोई संसार में सुखी है ही नहीं, सबके सब संसार में दुखी दुखी, लेकिन आप तो यहाँ पर आनंद वैकुंठ में आनंद ले रहे हो, अनंत सज्जा को पर शयन किए हुए माँ लक्ष्मी चरण की सेवा कर आप तो यहाँ आनंद ले रहे। इतने में भगवान ने कहा नारद तो बताओ कि क्या बताना चाहते। बोले प्रभु जी हरि विमुख कभी सुख नहीं पाओ, हरि से विमुख हो करके रावण जैसे व्यक्ति जिसकी सोने की लंका थी, सोचने से जगत में ज्यादा पैसा होगा तो सुखी हो जाएगी, रावण जैसे व्यक्ति की इतना संपत्ति किसको पास होगा कभी संपत्ति, कल अच्छी किसी छोरी से शादी होने पर सुखी हो जाएगी जिसकी पत्नी का नाम थी मंदोदरी, हनुमान तो जिसको रूप देख करके स्वयं बलि का तो साक्षात लक्ष्मी तो नहीं, सोचते हैं अच्छे छोरे होने पर सुखी हो जाएगी मेघनाथ जैसे बेटा, लेकिन वो स्वयं कहते हैं शंकर जी से कदा सुखी भवामी हम, हे भोले बाबा कब जीवन में सुख मिलेगा, जीवन में शांति नहीं। बोले क्यों? इसलिए श्री गोस्वामी जी कहते हैं हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, भगवान से विमुख होकर कोई सुख नहीं पा सकते। इसलिए नारद जी बोले प्रभु जब तक आप ये मरते जगत में नहीं आओगे, जब तक आपकी सेवा पूजा कोई नहीं करेगा ना, कोई सुखी नहीं बन सकते हैं। बोले मैं तो वैकुंठ में हूँ। बोले कौन जानता है वैकुंठ में, थोड़ा नीचे उतरो। बोले रमा वैकुंठ में भी हूँ। बोले वहाँ कौन जानता है। बोले स्वर्ग में भी हूँ बामन रूप में। बोले स्वर्ग किसने देखा। बोले सभी के हृदय का अंदर में भी मैं हूँ। बोले किसको पता हृदय में बैठी वो तटस्थ रूप में, इतने नीचे उतर आओ जैसे सभी के लिए आप उपलब्ध हो जाओ। नारद जी बोलने पर ठाकुर जी स्वयं ये अर्चा विग्रह रूप में स्वयं भगवान प्रकट हो गए और भगवान प्रकट होकर के सबको दर्शन स्पर्शन सेवा दे करके जब जब इच्छा कर ठाकुर का दर्शन करो, जब जब इच्छा कर ठाकुर जी को भोग लगाओ, ठाकुर जी के दर्शन करो। लेकिन जो भगवान अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए शास्त्र में कहना है इतने दुर्लभ है जद्य भी समाज पश्चिम ब्रह्मा भी जिनकी चरण की छटा को दर्शन नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े ऋषि लोग तपस्या करके जिनको दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो ठाकुर जब चाहो श्री राधा श्याम सुंदर को दर्शन कर लो, लेकिन उनको स्थापन किसने किया, बोले आनंद स्वरूप केला ने किया है। इसलिए आप इनके लिए जोरदार ताली हो जाओ, जितना इनके लिए बताया जाएगा उतना हम करनी है, इसलिए हम भी इसी राह पर चल सके और हम भी भगवान की भक्ति कर सके, यही श्री गुरु वैष्णव से हम प्रार्थना करते हैं। गुरु वैष्णव हम सबको परम कृपा करें, हम भी ठाकुर को भक्ति पूजा दर्शन करते हुए हम भी अपना जीवन को धन्यवाद।